Assalamualaikum, Namaste ji, Sastriakal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction Channel. कैसे आप लोग? So दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं इंडिया के richest village. वैसे तो हमने बहुत सारे विलेज के नाम सुने हुए हैं और देखे भी हैं, but richest village मतलब कि जहाँ पर हर कोई अमीर है. So ये जो वीडियो है बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि हम सुपर डुपर वाला एक्साइटेड, क्योंकि जानने को मिलेगा इंडियंस के बारे में कि कितने ज़्यादा भाई रिच हैं वो लोग ना. तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं ये वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे. और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. वीडियो दोस्तों, जहाँ तक भारत के गांव की बात है तो उनके बारे में तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग गरीब होते हैं, उनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं होते हैं. और जहाँ तक आने जाने की बात है तो इसके लिए उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. लेकिन भारत का एक ऐसा गाँव भी है जहाँ रहने वाला हर इंसान करोड़पति है, सभी के पास अपने पक्के घर हैं और एक से एक शानदार गाड़ियाँ हैं. यह गुजरात का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम है बल्दिया. यहाँ के पोस्ट ऑफिस में भी 500 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा है और इस गांव के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है. आइए जानते हैं इस गांव में ऐसा क्या खास है. गुजरात में बसे बल्दिया नाम के इस गांव को करोड़पतियों का गांव भी कहा जाता है. ये इतना सुंदर है कि आपको पल भर में ऐसा लग सकता है कि आप किसी यूरोप के शहर में आ गए. लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में इस गाँव में रहने वाले 95% लोग विदेश में नौकरी करते हैं. यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके बच्चे कीनिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अलग अलग देशों में काम करते हैं. लेकिन इस गांव में होने वाले बदलाव की कहानी काफी रोचक है, क्योंकि शुरुआती दौर में गांव विकास से कोसों दूर था और लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था. लेकिन इस गाँव में रहने वाले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना विदेश नौकरी के लिए जाया जाए. इससे दो फायदे होंगे, पहला उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा और दूसरा उनके गाँव की हालत भी काफी सुधर जाएगी. धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी और आज से कुछ दशक पहले तक तो कुछ ही लोग विदेश में नौकरी या व्यापार करने के लिए जाते थे. देखते ही देखते संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लगभग पूरा गांव ही विदेश में जॉब करने के लिए जाने लगा. ऐसा कहा जा सकता है कि आज के दौर में इस गाँव के हर घर में कम से कम दो लोग विदेश में नौकरी करते हैं. वहीं अपने परिवार वालों से मिलने और गाँव घूमने के लिए विदेश में काम करने वाले सभी लोग साल में कम से कम 2 से 3 महीने के लिए जरूर आते हैं. शायद यही वजह है कि लोग अपना पैसा इस गांव के पोस्ट ऑफिस और बैंकों में रखना चाहते हैं. बड़ी संख्या में पैसा होने से यहां कई बैंक हैं और उनके एटीएम्स भी हैं, जिनका फायदा गांव में रह रहे लोगों को होता है. कहने के लिए गाँव है, लेकिन इसमें आज के ज़माने में मौजूद सभी तरह के एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. यहाँ मौजूद 8 बैंकों का पिछले 2 साल का डेटा देखें तो इसमें गांव के लोगों ने 1500 करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं, जो गांव के लिहाज से काफी बड़ी बात है. शायद किसी शहर के लोग भी बैंक में इतना पैसा नहीं जमा करते होंगे जितना इस गांव में रहने वाले लोगों ने किया है. हालांकि जब आप इस गांव में जाएंगे तो ज्यादातर बूढ़े लोगों को देखकर आप चौंक सकते हैं कि आखिर इस गाँव में कोई नौजवान क्यों नहीं रहता. तो इसका जवाब है, ज्यादातर युवा पैसा कमाने के लिए विदेश निकल जाते हैं और उनके माता पिता गांव के साथ घर की देखरेख का काम करते हैं. यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके घर के बड़ों ने इसकी शुरुआत कई साल पहले की थी, जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है. यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विदेश का रुख किया था और आज इस गांव के लोग शहर से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जो उनकी बेहतर सोच और समृद्धि की निशानी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में सिर्फ बल्दिया नाम का ही इकलौता करोड़पति गाँव नहीं है, इसके अलावा भी कई गाँव है जो बल्दिया की तरह ही धनवान है. आइए जानते हैं गुजरात के एक और समृद्ध गांव के बारे में. गुजरात में बसा एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है धर्मज. इसे ज्यादातर NRI लोगों के गांव के नाम से पुकारा जाता है. बल्दिया गांव की तरह आपको इस गांव में भी बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, महंगी गाड़ियां और कई बैंक्स के साथ बड़े बड़े होटल्स नजर आएंगे. हालांकि ये सब देखने के बाद आप शायद यही कहेंगे कि गाँव तो सुविधाओं के लिहाज से देखने में तो एक शहर को भी मात दे सकता है. इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसमें भी ये गांव किसी शहर से पीछे नहीं है. यहाँ कई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी मौजूद हैं.
वैसे तो हमने आपको इस गांव की कई चौंकाने वाली बातें बता दी, लेकिन इस गांव की एक और चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। यहां के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने गांव की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि इस गांव के लोगों ने खुद मिलकर गांव को इस लायक बनाया है, और इसे देखने वाला कोई भी इंसान इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। लोगों ने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। चलिए अब आपको वीडियो खत्म होने से पहले बताते चलते हैं, कच्छ से थोड़ी दूर पर बसा एक ऐसा गांव जिसे करोड़पतियों का गांव कहा जाता है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गुजरात का माधापुर भी एक ऐसा ही गांव है जो अपनी खुशहाली के लिए दूर दराज के शहरों तक पहचाना जाता है। इस गांव में 9 बैंकों की शाखाएं हैं और कई ATM भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग लंदन में रहते हैं, और साल 1968 में लंदन में रह रहे लोगों ने माधापुर विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना लिया है। इसका मोटिव था माधापुर गांव के लंदन में रह रहे सभी लोग एक दूसरे से मिलते रहे। आज भी सभी लोग एक दूसरे से किसी ना किसी इवेंट या फंक्शन के मारे मिलते रहते हैं, जो इस गांव की खुशहाली का कारण भी है। आज के समय में यहाँ 7600 पक्के मकान हैं, और यहाँ रहने वाले हर शख्स के बैंक अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपए हैं। गांव में आज पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल और मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज का वीडियो है रिचेस्ट विलेज, मतलब कि सारे ही अमीर हैं यहाँ पर, कोई भी गरीब नहीं है। और मजे की बात यह है कि सारे ही ऑलमोस्ट हर घर से कोई ना कोई बंदा जो है वो आउट ऑफ कंट्री में, स्पेशली दुबई तो आजकल नॉर्मल हो गया है, UK, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, USA में आपको नॉर्मली बहुत सारे लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे इंडियन। और अब बेसिकली मैंने भी ये चीज़ फील की है कि विलेज साइड के जो लोग हैं वो मोस्टली आपको आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कैनेडा में हो गया, यूरोप साइड में हो गया, मतलब कहीं पर भी आप जाकर देखें तो आपको भले वो पाकिस्तान से हों चाहे वो इंडिया से बिलोंग करते हों, मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर विलेज से जो लोग हैं हर घर से एक बंदा गया ही होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है वो उनकी जॉब पे कि वो क्या वहाँ जॉब करते हैं और कितना पैसा वो अपनी कंट्री में भेजते हैं। चलो इससे तो फ़ायदा ही है, अगर भारत में पैसा आ रहा है, वो किसी और कंट्री से पैसा आ रहा है ना, तो इससे तो फ़ायदा ही है ना भारत को, तो वो तो अच्छी बात है। और दूसरा जो है वो अमीर तरीन मतलब कि इतनी फैसिलिटीज़ हैं, और लग नहीं रहा था कि ये कोई विलेज है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिटी हो, ठीक है, तो बिल्कुल मुझे वैसे ही लग रहा था। तो वो जब ड्रोन शॉट्स सिखाए गए ना, तब मुझे पता चला, फील होता है कि हाँ ये विलेज है, जब वो ग्रीनरी साइड पे और खेत नज़र आते हैं तो उससे आइडिया होता है। तो वो जो हवेली वाला दिखाया था तो वो सिद्धू मूसे वाला ही सेम टू सेम वो हवेली दिख रही थी, तो उसे वाले का भी जब मैंने घर देखा था ना तो मुझे पता चला कि ये सिद्धू मूसे वाले का घर, मतलब इतनी बड़ी हवेली बनी हुई है और वो जो है ना आसपास खेत और मतलब इस तरह का वो पूरा विलेज बड़ा ही खूबसूरत लग रहा होता है, और मैं कैमरा घूम गया है। सो खैर जो है ना इस तरह के विलेज हमें बहुत देखने को मिलते हैं, और मैंने नोट किया है कि विलेज में मोस्टली आपको जो है ना रिच लोग मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते इतना, लेकिन आपको विलेज में बहुत ज़्यादा रिच लोग मिलेंगे, ये बात तो सच है। और वहाँ पर लोगों के पास बहुत पैसा होता है, ज़मीनें होती हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं हर लोग के पास, लेकिन पूरा विलेज इस तरह से अमीर हो ये बात मतलब कि यकीन ही नहीं हो रहा, हमें कैमरा बार बार घूम ही जा रहा है। तो खैर ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा वीडियो। कच्छ के बारे में कहूँगी कि यार कच्छ तो जहाँ तक मुझे आइडिया है तो वो तो बॉर्डर के पास है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, और वो तो रेगिस्तानी एरिया ऑलमोस्ट है ना, तो मतलब वहाँ पर तो लाइफ का सर्वाइव करना इतना मुश्किल होता है, और वहाँ पर इतनी खूबसूरत ये कि विलेज बनाया गया है, तो मैं उसको देख कर हैरान हूँ कि वो विलेज इतना खूबसूरत कैसे बनाया है। और मतलब कि हर तरह की सुविधाएं भी यकीनन दी हुई हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे आइडिया नहीं था कि इतना प्यारा विलेज होगा। तो मतलब कि वो मिट्टी से ही बनाया है जाहिर सी बात है, लेकिन उसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, जिस तरह से वो कच्छ में डिज़ाइन बनाया गया है। NRI जो है वो वाला विलेज भी बहुत औसम है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप बाहर की कोई स्ट्रीट्स में घूम रहे हो, यूरोप की स्ट्रीट्स में, लाइक इस तरह का ग्रीनरी और क्लीन एंड पूरा प्रॉपर बने हुए हैं। तो
जाहिर बात है जब पैसा है बैंक बैंक वालों को पता ही है अमीर गांव है भाई, यहाँ पे बैंक बनाओ और इनसे पैसे जमा करो और लोन दो लोगों को। तो मजा आया वीडियो देख के, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो विलेज के बारे में पता चला, कुछ नया जानने को मिला, तो अच्छा लग रहा था वीडियो। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि विलेज में ज़्यादातर रिच लोग रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं? और मुझे लगता है सिटी में लोग शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन विलेज में लोग शो ऑफ नहीं करते, उनका बस सिंपल सी जिंदगी होती है, लेकिन रिच होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा फील होता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय।